हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, होना ही चाहिए। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये जो समस्या चल रही है, जो रेप केस का, जो कलकत्ता में जो डॉक्टर मैम का जो रेप हुआ है, एक बात बताइए, राखी है कल और आज, मतलब ये किसकी बहन उजड़ गई है? आप एक बात सुनिए, वो जी कहते हैं ना दुनिया वाले, घर से इस कपड़े में निकलो, उस कपड़े में निकलो, बताइए सुरक्षित नहीं है? डॉक्टर मैम, आपको पता है कि इस वजह से हम जो औरतें हैं ना, हम जो माँ हैं, अपने अपनी बेटी को लेके बहुत, मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लड़की को घर से भेजने में बाहर डर लग रहा है। डॉक्टर के रूम में जाके अगर ऐसा केस हो सकता है, तो सोचिए कि घर के अंदर से जो लड़की बाहर निकल रही है 5-10 मिनट के लिए भी, तो कितना डर लग रहा है। और हम लोग का अब समस्या, माँ की समस्या, तो ऐसे क्या मिल रहा है? मुझे उन लोग से कहना है कि भाई जरा देखो, जिस जगह से आप जन्म ले रहे हो उसी जगह को तार तार कर रहे हो। शर्म करो, थोड़ा सा शर्म कर लो कि एक डॉक्टर जो प्राण देती है, जीवन दान दे रही है ना, उसी को जाके आप इस तरीका से नोच के खाए हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ऐसा कभी मत करना। आप अपना खुद के बहन के लिए तो शेरनी बन रहे हो और दूसरों की बहन के लिए कुत्ता का काम दिखा रहे हो, तो भाई नहीं, ये माँ बाप के ऊपर गलत आ रहा है, मत करिए ऐसा। आपको क्या मिला, एक बात बताइए, आप लोगों को क्या मिला है? ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितनी भी माएं हैं, जितनी भी है, सावधान हो जाइए, कसम से कह रही हूँ। ऐसा कभी भी लगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा कहीं केस हो रहा है, सीधा इन्हों को मार देना चाहिए, हैंड टू हैंड डेथ। अगर तो पुलिस वालों से सबसे निवेदन है, जितने भी भाई बहनों से निवेदन है, ऐसा मत करिए और ऐसा होने भी मत दीजिए। क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? रक्षाबंधन भी आ गई, 15 अगस्त भी आ गई, हाँ इस टाइम पे इस तरह से सुनने मिल गया तो हमारा देश कहाँ आजाद है? लड़कियां कहाँ आजाद है? लड़की कहीं आजाद नहीं है, ना लड़का सुरक्षित है, ना लड़कियां सुरक्षित है। मेरा ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचे, थोड़ा सा आप लोग भी सब इकट्ठा जुट होना पड़े, जितने भी मेरे भाई बहन है, जहां जहां से, देश विदेश से भी, जहां जहां से भी मेरे भाई बहन ही है, तो आप लोग सब सपोर्ट करिए कि इसको जाके ये केस में न्याय मिले। कौन है वह व्यक्ति, कौन है? पर हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, सबके लिए डर लग रहा है। भगवान, प्रभु, पुलिस वाले और जितने भी जो कर्मचारी जो भी है, आप लोग फटाफट आप एक ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में जब ऐसा हुआ था तो हफ्ते दिन में, चार दिन में फटाफट केस का सॉल्व हुआ है। तो उसी तरीका से ऐसा होना चाहिए और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की, कोई भी लड़की के साथ। अगर ऐसा होता है तो एक नया कानून निकलना चाहिए, कि सरकार को निकालना चाहिए जरूर। हमारी लड़कियां, हमारी बच्चे, हम औरतें सुरक्षित नहीं है। औरतें भी घर से बाहर निकलती है, सुरक्षित नहीं है। 7 बजने के बाद में बाहर निकलना उनको मुश्किल हो जाती है, पीने वाले, देखने वाले कैसे अजीब सा देखते हैं, रस्ते में जाना, हस्बैंड के साथ जाना भी दिक्कत हो जाती है। तो कृपा करके भाई बहन मेरे, जितने भी कहीं पे भी हो, कोई देश से, कोई शहर से देख रहा है, प्लीज प्लीज इसे बहुत जन देखिए और शेयर करिए और आवाज उठाइए इस बात के लिए। मैंने भी बहुत हिम्मत करके आवाज उठाया है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन यही करती हूँ कि जितनी भी माएं हैं, जो माँ है उनके दिल पे क्या गुजर रही है ना, उनसे पूछिएगा जाके, जिसकी बेटी खोई है ना उनसे पूछिएगा। बिचारी वो कुछ नहीं कह, क्या कहेगी, वो कुछ नहीं कह पा रही है कि उनकी लड़की किस हाल में मिली है। इस तरीके से जल्लाद बन के उस दिखाया गया है, जल्लादपन। आवाज उठाइए, सब मिलकर आवाज उठाइए, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसको, और जहां जहां भेजना है वीडियो को, जिसको इस वीडियो ये मिल रहा है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा मेरी बातों को। मैं बहुत डर चुकी हूँ, क्योंकि घर में जिसके घर में लड़की है ना, सभी डर रहे हैं, सभी माएं डर रही है। अब कहीं पे सेफ नहीं, दिल्ली नहीं, मद्रास नहीं, कहीं पे भी, मतलब हैदराबाद, कोई ये नहीं है। तो इसमें अभी हमें जातिवादी कुछ नहीं करना पड़ेगा, भाई बहन सब मिलके उस लड़की को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। और सरकार से ये है, निवेदन है कि सरकार आप कुछ भी करिए, पर हम लोगों को सेफ्टी जरूर दीजिए। क्या दिन आ गया कि हम औरतों को सेफ्टी मांगना पड़ रहा है, हम लड़कियों को, औरतों को सेफ्टी मांगना पड़ रहा है। जो जननी है, जो जन्म देती है, उसको आज खुद एक सेफ्टी की जरूरत पड़ रही है। प्लीज प्लीज मेरे वीडियो जिसने देखा होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा है।
मैं आपकी मिस गौर।